चाचा चौधरी और क्रिकेट। एक दिन क्रिकेट ग्राउंड में मेरा दीपू के साथ आज क्रिकेट मैच है, इसलिए ये स्पेशल बल्ला बनवाया है। लेकिन कद्दू भाई, मुझे तो ये साधारण बल्ले की तरह ही लगता है। बल्ले को चीर कर स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। जब मैं गेंद को इस बल्ले से हिट करूंगा तो गेंद दुगने वेग से जाएगी और मेरे चौके और छक्के बनते जाएंगे। और मैं दीपू को करारी हार दूंगा मैच में, समझे? कद्दू, मैं तुम्हें मान गया। तभी चाचा चौधरी और दीपू वहाँ आते दिखाई देते हैं। लो, वह दीपू चाचा चौधरी के साथ बैट पकड़े आ रहा है। मैच शुरू होता है। दीपू की बैटिंग, यह तो सीधा बाउंड्री पार करेगी। दीपू के 20 रन बनते हैं कि कद्दू उसे कैच कर लेता है। अब बैटिंग करने की कद्दू की बारी है। दीपू, अब देखो तुम्हारे कैसे छक्के छुड़ाता हूँ। ये लो चौका और ये लो छक्का। दीपू चाचा चौधरी के पास। कद्दू ने 18 रन बना लिए हैं चाचा जी, 3 और बन गए तो वो मैच जीत जाएगा। मुझे तो उसके बल्ले पे शक है दीपू। चाचा चौधरी एक शीशी में से तेल की कुछ बूंदे दीपू के हाथ पर टपकाते हैं। तुम थोड़ा ये तेल अपने हाथ पर मल लो और फिर कद्दू से हाथ मिलाओ, फिर खुलेगी ढोल की पोल। दीपू कद्दू के पास पहुंचता है। कद्दू, तुमने सचमुच बड़ी अच्छी बैटिंग की है, मिलाओ हाथ इसी बात पर। हाथ मिलाने पर दीपू के हाथ पर लगा हुआ तेल कद्दू के हाथ पर लग जाता है। एक बार फिर से मैच शुरू होता है। इस स्लो गेंद पर जरूर छक्का बनेगा। तेल से हाथ चिकने होने के कारण इस बार जो कद्दू बल्ला घुमाता है तो छूटकर वह हवा में उछल जाता है और आउट। कद्दू आउट हो जाता है। जमीन पर गिरने से बल्ले का जोड़ खुल जाता है। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारे छक्के और चौकों का। दिया दिया।